नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर हो रही। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसे पावर बोर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप सर्दी में वाटर हीटर के साथ लगा दें तो ये एक निश्चित समय पर आपके वाटर हीटर को गर्म रखेगा और कट कर दबा देगा। जी हाँ, दोबारा समझ लीजिए, आप इस बोर्ड में कोई भी हम वाटर हीटर लगाएंगे या आप इस बोर्ड को घर पे बना लें और इस बोर्ड के साथ में कोई भी आप वाटर हीटर लगाएंगे तो वाटर हीटर एक निश्चित टेम्परेचर पर गर्म होगा और ऑटोमेटिक कट कर देगा, जिससे आपका लाइट का बिल, बिजली की खपत भी कम होगी और वाटर हीटर ख़राब होने से बच जाएगा। इसमें एक ऐसी डिवाइस का हम प्रयोग करने जा रहे हैं जो एक निश्चित टेम्परेचर पर ऑटोमेटिक कट हो जाती है और 5 मिनट के बाद वो दोबारा रीस्टार्ट हो जाती है, जिसे आपको चालू नहीं करना पड़ता है। तो देखिए, सो ऐसे बना जाता है। इसमें एक इम्पोर्टेंस डिवाइस है ये, ठीक है, ये डिवाइस मेन इम्पोर्टेंस है जिसको बोर्ड के सीरीज में लगाया जाएगा। और इसका जो नंबर है वो ये नंबर है, नंबर आप ध्यान से देखें क्योंकि इसी नंबर से आप मार्केट में उसको परचेज कर पाएंगे। तो इस डिवाइस का आप बिल्कुल अच्छी तरह से इसका नंबर अपने दिमाग में याद कर लें। इसका ये जो डिवाइस है, यही मेन डिवाइस है, इसका नंबर ये है, ठीक है। कहीं भी मार्केट में आप इसको परचेज करेंगे तो आपको ये नंबर बताना पड़ेगा, ठीक है, कि इस नंबर का हमें पार्ट्स दे दो, दुकानदार आपको ये दे देगा, ठीक है। अब करना क्या आपको, कोई भी आप 16 एम्पियर का बोर्ड लें, कोई भी बोर्ड 16 एम्पियर का बोर्ड लें, ठीक है, इस बोर्ड में वायर निकालने के लिए या तो पेचकस से या गर्म आयरन से एक छोटा सा छेद कर लें इस टाइप का, ठीक है। अब हीटर के वाट के हिसाब से 1.5 mm, 2.5 mm, नॉर्मली 1.5 mm का आप वायर लें और ऐसे इसको अंदर से इसको बाहर निकाल लें। इसको आप ज़रूर लगाएं क्योंकि खींचने से वायर बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। अब कनेक्शन के लिए ये दो वायर हैं, इन दोनों वायर में से एक वायर आपको सॉकेट पे जोड़ना है। बिल्कुल ध्यान से कनेक्शन समझें आप, ये देखिए, एक वायर आपको किसी भी सॉकेट की पिन पे आपको जोड़ना है, ठीक है। चलो इस पे जोड़ते हैं, हम इस पे हमने इसको वायर को जोड़ दिया, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे इसको जोड़ना है। जो वायर आप बाहर निकाल रहे हैं, ये जो वायर बाहर निकली है इसकी एक पॉइंट पे आपने ये जोड़ दिया, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से कनेक्शन समझें, दूसरे वायर को आपको स्विच पे जोड़ना है, ठीक है, ऊपर या नीचे आप जहाँ समझें सही, आपको जैसा लगे ऊपर जोड़ दो या नीचे कहीं भी जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऊपर वाला पॉइंट लें चाहे नीचे वाला, जो आपकी जैसी मर्जी हो कैसा लगा दें, तो ऊपर वाले पॉइंट पर आपको जोड़ना है, ठीक है। पहला बार आपको यहाँ जोड़ गया और दूसरा बार ऊपर वाले स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर, अब आपके पास में ये दोनों रह गए। तो करना क्या है, ये जो डिवाइस है इसको आपको ऐसे जोड़ना है, बिल्कुल ध्यान से रहे, एक इसमें चला जाएगा, ठीक है, और एक बार इसका इसमें चला जाएगा, यानी कि एक सॉकेट पर और एक स्विच पे जाएगा इसका डिवाइस का वायर, ठीक है। हो गया, ठीक है, देखो
अब इसको क्या करना है आपको, इसको ऐसे यहीं पे इसको ऐसे दबा के पैक कर देना आपको, ठीक है। और अगर कॉटन टेप हो तो कॉटन टेप लगा दें, ब्लैक टेप हो तो आप ब्लैक टेप लगा दें, जो भी टेप आपके पास हो ऐसे इसको लगा दें, ठीक है। ये लगा दिया, ज़्यादा इसके लोड नहीं पड़ना है, बिल्कुल यही रखी रहेगी ये। ठीक है, ये लगा, ठीक है। अब आपको बॉक्स बंद करना है, ये कनेक्शन आपके होके हुए। अब यदि आपके घर में दीवार में फिटिंग है तो आप ये वायर अपनी फिटिंग में जोड़कर यहाँ पर गुल्ली लगाकर दीवार में इसको लगा सकते हैं। अगर फिटिंग नहीं है तो आप इसमें 3 पिन टॉप लगा दें, और किसी जो आपके घर में पावर बोर्ड हो उस बोर्ड से इसको अटैच कर लें और दीवार के साथ इसको टांग दें। चलो तो इसमें हम 3 पिन टॉप लगाते हैं, ठीक है। ये रहा आपका 3 पिन टॉप, ठीक है। बहुत बढ़िया डिवाइस है। कभी कभार क्या होता है कि हमारी माताएं बहनें वाटर हीटर लगाने के बाद में भूल जाती हैं, हम लोग भी अधिकांश किसी काम में लग जाते हैं और भूल जाते हैं दिमाग से कि हमने पानी गर्म करने के लिए वाटर हीटर को लगा रखा था। तो होता क्या है, जब वाटर हीटर लॉन्ग टाइम तक आपका लगा रहेगा तो धीरे धीरे वो ऊपर की साइड में ब्लैक होने लगेगा, और जहाँ पर ब्लैक होगा वहाँ पर इतना अधिक टेम्परेचर हो जाएगा कि वहीं से वो ब्लास्ट हो जाएगा और उसका रॉड फट जाएगी, बेकार हो जाएगी, अंदर का एलिमेंट शॉर्ट हो जाएगा और आपका वाटर हीटर ख़राब हो जाएगा। ये गारंटी है कि हो जाती है इसी प्रकार। ये पूरा कम्प्लीट हो गया। अब इसको आप किसी भी पावर बोर्ड में लगा दें, कहीं भी आपका पावर बोर्ड पड़ा हो ऐसा उसमें आप लगा दें, ठीक है। तो पावर बोर्ड में लगाने के बाद में इसको ऐसे आप लगा दें, लग गया, ठीक है। अब ये डिवाइस आपकी चालू है, ठीक है। अब थोड़ा चेक करते हैं कि करंट बाहर आया या नहीं आया, ठीक है। ये आपकी डिवाइस चालू है, ठीक है। ये देखिए, अब ये आपकी डिवाइस वर्क कर रही, बल्ब आपका ऑन हो रहा, ऑफ हो रहा, ठीक है। अब बल्ब का काम तो नहीं है इसमें, ठीक है। अब आपको करना क्या है, कोई भी वाटर हीटर जो आपके पास हो, 1500 वाट हो, 2000 वाट हो, जो भी हो, वाटर प्रूफ हो, अन वाटर प्रूफ हो, कोई भी हो, आपको वाटर हीटर लेना है, ठीक है। और लेने के बाद में आपको यहाँ इसको लगा दीजिए, आपका भी तो वाटर हीटर लग गया, ठीक है। ये वाटर हीटर आपका जो आपने डिवाइस बनाई है इस डिवाइस के साथ में अटैच कर दिया गया है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब आप ये लगा, आपका चालू है, ठीक है, चल रहा है ये बढ़िया। अब होता क्या है कि जब आपको एक निश्चित टेम्परेचर इस वाटर हीटर से लेना हो तो आप इस बोर्ड को ज़रूर लगाएं। ये बोर्ड क्या करेगा, जो इसमें हमने डिवाइस लगा रखी है, ये क्या करेगी डिवाइस, ये डिवाइस आपकी
ये डिवाइस जो इसमें लगा रखी है, डिवाइस क्या करेगी कि इस वाटर हीटर के एक निश्चित टेम्परेचर पर यानी कि निश्चित तापक्रम पर ये वर्क करती रहेगी, और उसके बाद में जब ये ओवर हीट प्रोटेक्शन में चला जाएगा तो ये ऑटोमेटिक स्विच डाउन हो जाएगी, और स्विच डाउन हो जाने के बाद में ये आपका वाटर हीटर वर्क करना बंद कर देगा। तो वाटर हीटर अधिकांश हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक पानी करके रखते हैं इसको, ठीक है, यहाँ तक जितना आप सेक्शन इसका खुला रहेगा वहाँ पर कोई पानी नहीं मिलेगा। जब पानी नहीं मिलेगा इस रॉड को तो वहाँ पर ये ज़्यादा टेम्परेचर फ्लो करेगी और यहाँ से ब्लैक हो जाएगी और यहाँ से ब्लास्ट हो जाती है। ऐसे ये ख़राब होते हैं अधिकांश, देखेगा किसी किसी के आपने देखोगे यहाँ से फट जाते हैं, यहाँ से इसके अंदर का एलिमेंट बाहर निकल आता। तो इन एलिमेंट के फटने और ब्लास्ट होने से यदि आपको बचाना है और लॉन्ग टाइम तक इसको आपको चलाना है वाटर हीटर को, क्योंकि अभी सर्दी की स्टार्टिंग है, पूरा अभी सीजन आपके पास सर्दी का है, तो सर्दी भर गर्म पानी से आपको नहाना है, तो ये डिवाइस आप 100% बना लो। ये बहुत ही काम की डिवाइस है, ठीक है। निश्चित टेम्परेचर पर ये वाटर हीटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और आपकी सेफ्टी रहेगी, पानी आपका गर्म हो जाएगा। फिर ये करीब 10 मिनट के बाद, बिल्कुल घड़ी से मिला 10 मिनट के बाद ये री स्टार्ट होगा, ठीक है। तब तक आप चाहें तो दूसरी बाल्टी में पानी गर्म कर सकते हैं। फिर आप जब दूसरी बाल्टी का पानी निश्चित टेम्परेचर पर गर्म हो जाएगा, बिल्कुल देख लेना, खोलने लगेगा तो ये अपने आप कट कर देगा वो, ठीक है। तो इस प्रकार की सेफ्टी यदि आपको चाहिए है तो आप इस प्रकार का बोर्ड जरूर बना लें। मैं गोपाल तिवारी प्रोजेक्टर, और आप सभी लोगों को अपने चैनल पर बहुत बढ़िया से बढ़िया जानकारी देता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।